जूनियर विद्यार्थियों का समर कैंप जवाहर कला केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें मैंने विद्यार्थियों से जानकारी ली कि उन्होंने क्या सीखा। कई बच्चों ने कथक नृत्य के बारे में, भरतनाट्य के बारे में और नाट्य विद्या के बारे में, इसी प्रकार संगीत और तबला वादन, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों से जानकारी ली। और मैंने उनको बताया कि हमारी संस्कृति में जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। आप विशुद्ध कथक करें, विशुद्ध भरतनाट्यम सीखें और उसके साथ किसी भी प्रकार की के संगीत को मिलाने की चेष्टा जो करते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि सांस्कृतिक प्रदूषण बहुत ख़राब है। इससे हम अपनी ओरिजिनलिटी को, हमारे मूल संगीत, मूल नृत्य और मूल नृत्य विद्या को भूल जाएंगे। इसलिए सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से इस कैंप के माध्यम से विद्यार्थी जो खाली वक्त में निठले बैठे रहते हैं, उनको अलग अलग विधाओं में सीख कर आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। इस बार कठपुतली बनाना, कठपुतली का प्रदर्शन करना, ये भी सिखाया गया है। हम चाहते हैं कि जवाहर कला केंद्र इस क्रम को जारी रखे और सर्दी की छुट्टियों में भी, चाहे इसे छोटा कैंप हो, लेकिन उन्होंने अब तक जो सीखा है उसमें आगे क्या बढ़ोतरी की है और जो चीज़ें भूल गए हैं जो सीखी उन्होंने, उसका एक रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर समर कैंप की तरह विंटर कैंप लग जाए, तो वो अपनी जो चीज़ें सीखी है उसको जारी रखें।